हाय, दिस इज पूनम शर्मा एंड वेलकम टू सद्भावना न्यूज। लगातार बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों पर राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि महंगा पेट्रोल और बढ़ते दाम, जनता को लूटे सरकार खुलेआम। इस ट्वीट पर आज प्रतिक्रिया देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस के नेता सत्यनारायण शर्मा और बीजेपी के नेता किशोर बिरवानी। देखिए क्या कहते हैं। महंगा पेट्रोल, बढ़ते दाम, जनता को लूटे सरेआम, ऐसा वक्तव्य माननीय राहुल गांधी जी ने कहा है। मेरा ऐसा सोच है, बढ़ते दाम राष्ट्रीय नहीं अपितु अंतर्राष्ट्रीय भावों से बंधे रहते हैं, जो आपके समय में भी थे, हमारे समय में भी बंधे हुए हैं। इसमें सरकार किसी की भी हो, भाव अंतर्राष्ट्रीय सभी देशों में रहेंगे, वो भारत में भी रहेंगे। इतने बड़े राष्ट्रीय नेता के बोल वचन आश्चर्यजनक लगते हैं, जो शोभायमान नहीं है। 2013 में कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत 140 रुपए प्रति बैरल थी। उस समय केंद्र में कांग्रेस के मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, तब पेट्रोल की कीमत 63 से 65 रुपए प्रति लीटर थी और डीजल की कीमतें 45 से 50 रुपए थी। आज मोदी सरकार के समय कच्चे तेल की कीमत प्रति बैरल 64 रुपए प्रति बैरल है, तो अब पेट्रोल 90 रुपए और डीजल 81 रुपए कीमत हो गई है। लॉकडाउन की वजह से आम जनता आर्थिक मार पहले से ही पड़ रही है, वहीं पेट्रोल डीजल के कारण दोगुनी मार पड़ रही है, जिससे आम जनता, व्यापारी वर्ग और सभी परेशान है। आज मैं राहुल गांधी जी के द्वारा सोशल मीडिया पर किए गए ट्वीट का समर्थन करता हूँ। पावर्ड बाय आर्थ्रोस क्लिनिक, अ डेडिकेटेड सेंटर फॉर आर्थ्रोस्कोपी एंड स्पोर्ट्स इंजरीज।